माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो रिलेटेड है बीएच लूप से, और यहाँ एनिमेशन के थ्रू आई हैव जस्ट ट्राइड कि वो कंसेप्ट क्लियर हो। सिंपली जो बीएच लूप है उसको हम डिफाइन करते हैं, जो बीएच एरिया आप बोलते हैं, ये जो एरिया कवर्ड है ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है लॉस ऑफ द एनर्जी इन वन साइकिल ऑफ एसी सोर्स पर यूनिट वॉल्यूम टू मैग्नेटाइज द मटेरियल। इसको थोड़ा और ब्रीफ में समझ लेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये अल्टरनेटिंग करंट है सबसे पहले, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका वन साइकिल जो कंप्लीट होता है वो बाय दिस वे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वन सेकंड में ये ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करती है जो अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये पहला पॉइंट है। तो एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होंगे ऐसे, हाफ साइकिल ये, हाफ साइकिल ये, तो कंप्लीट हुआ वन साइकिल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये कोई सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के सेंटर में जो है एक ये मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, और इसको सोलेनॉइड को आपने कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ में, जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी मैं आपको बोल चुका हूँ कि 50 हर्ट्ज है। तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इनसाइड द कॉयल, और वो जो होगा यूनिफॉर्म होगा। बिकॉज ऑफ दैट ये जो मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा, और उसकी मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है, जब ये करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो आप कलर के रेस्पेक्ट में उसको देखते हैं, राइट, ये सेचुरेशन कब आएगा और स्टार्टिंग फेज कब क्या है, तो वो कलर के थ्रू इंडिकेट किया है, राइट। तो ये सोलेनोइड हुआ और मैग्नेटिक मटेरियल हुआ, मैग्नेटाइजेशन को कलर के थ्रू इंडिकेट किया है कि जो मटेरियल है वो इस टाइप से मैग्नेटाइज होगा। अब ये जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, एक्चुअली ये बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स के थ्रू हुआ है, यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटाइजेशन करने के लिए आपको सोलेनॉइड की जरूरत पड़ी, सोलेनॉइड कनेक्ट है एसी सोर्स से, अगर कुछ भी वर्क डन होगा इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, राइट, वो उसका सोर्स क्या है, ये एसी सोर्स है, तो इस किसकी एनर्जी यूज होगी, इस सोर्स की एनर्जी यूज होगी। तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है इन वन साइकिल, राइट, ये जो अल्टरनेटिंग करंट का वन साइकिल है इसमें कितना एनर्जी का लॉस हुआ है, दैट मीन्स कि हाउ मच एनर्जी इज यूज टू मैग्नेटाइज द मटेरियल एंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये बी एच कर्व आपको, बी एच लूप आपको एक्सप्लेन करता है। एक तो पर यूनिट साइकिल, एक पर यूनिट वॉल्यूम, एक साइकिल और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी का लॉस हुआ है वो आपको बी एच लूप इंडिकेट करता है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू इसको थोड़ा सा आप आइडिया ले लें तो बेटर होगा। यहाँ क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एनर्जी लॉस पर आवर इन एन आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन कोर यूज करते हैं, तो वहाँ वन आवर के अंदर कितना एनर्जी का लॉस होगा ये अभी फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, एरिया ऑफ द बीएच लूप दैट इज 250 जूल पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी बीएच लूप आपको गिवन है, दैट एरिया जो आपको गिवन है वो पर यूनिट वॉल्यूम में गिवन है, राइट, 250 जूल पर क्यूबिक मीटर, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, राइट, ये आपको पता है, एंड डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.5 × 10^2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और मास ऑफ द कोर जो, दैट मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने लिया है आयरन, उसका 100 kg है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और वन आवर के अंदर कितना एनर्जी लॉस होगा उस कोर में वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ एरिया ऑफ द बी एच लूप 250 जूल पर क्यूबिक मीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, डेंसिटी 7.5 × 10^3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मास इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि वॉल्यूम आप निकाल लीजिए,
क्योंकि ये फाइंड द एनर्जी लॉस पर आवर इन एन आयरन कोर इन्होंने बोला है, तो मतलब पूरा जो आयरन कोर है, पूरा जो वहाँ पे जो मटेरियल है उसका जो वॉल्यूम है वो पहले हम लोगों को पता हो, तो वॉल्यूम उसका हम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी एंड दैट कम्स दिस वैल्यू 13.3 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। सो हियर हिस्टेरेसिस लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन, दैट इज 250 जूल पर क्यूबिक मीटर इन द फॉर्म ऑफ बी एच लूप एरिया एज यू नो। सो वट वी हैव टू डू और वट वी हैव टू फाइंड द एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द हिस्टेरेसिस लॉस इन द एंटायर कोर वॉल्यूम इन 1 आवर। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टाइम गिवन है 1 आवर और जो वॉल्यूम है वो पूरा कंसिडर किया है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं कंसिडर किया है, टोटल वॉल्यूम कंसिडर किया है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन 1 आवर कितना होगा। एज वी नो एसी कंप्लीट 50 साइकिल इन 1 सेकेंड, जैसा कि मैं अभी आपको बोल चुका था। तो 1 मिनट में कितने साइकिल कंप्लीट करेगी, तो 1 सेकेंड में 50 है तो 60 सेकेंड में कितने होंगे, 60 × 50 साइकिल्स, राइट। सो अब 1 मिनट में आपने साइकिल निकाल दिए हैं कि इतने साइकिल होंगे, तो 1 आवर में कितने होंगे, तो इसको 1 आवर में कितना होगा 60 मिनट, तो इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ में, तो टोटल 1 आवर के अंदर जो साइकिल होंगे वो होंगे 180,000, राइट। सो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स। यहाँ ये जो गिवन है 250, ये 1 साइकिल के लिए गिवन है, तो 80,180,000, ये 1,80,000 जो साइकिल है, तो इसमें कितना लॉस होगा, तो आप क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टोटल वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हियर लॉस इन 1 आवर फॉर द एंटायर वॉल्यूम वो क्या होगा, आप 250 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.3 × 10⁻³, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, और टोटल साइकिल 1 आवर में कितने होंगे, 1,80,000। तो इस तरीके से लॉस जो 1 आवर में होगा वो इस ऑर्डर का होगा, राइट, 59.85, राइट, 10⁴ जूल। इसको थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन करके देख लें ये सब डिटेल, राइट। यहाँ इसको थोड़ा सा इस वे में एक्सप्लेन किया है कि ये 1 कंप्लीट साइकिल है ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, और इसके रेस्पेक्ट में आपका ये बी एच लूप है, तो एक साइकिल के रेस्पेक्ट में आपका 1 लूप कंप्लीट होता है। तो हाफ साइकिल यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये निगेटिव साइड में है, तो निगेटिव साइड में एच जाएगा यहाँ इस सेंटर पॉइंट से, राइट। तो आप ऐसे लेके चलेंगे क्योंकि आपकी आई जो है वो भी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा वो सब के सब जो है यहाँ मैग्नेटाइज हो जाएंगे मैग्नेटिक डाइपोल, और उसके बाद फिर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे इस तरीके से, राइट। तो ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आपका ये लूप चलेगा, तो इसको कोरिलेट किया है विद अल्टरनेटिंग करंट के साथ में, तो जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे भी आपको क्लियर होगा, राइट, कि आप इस तरीके से एक सोलेनोइड यूज करते हैं, उसमें आयरन रोड आप पुट करते हैं, और फिर बी एच लूप जो आपको दिखाई पड़ता है वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ द बी एच लूप और उसका एरिया। तो यहाँ आपने इसको ड्राइव किया होगा W इज इक्वल टू क्लोज पाथ इंटीग्रल H.dB, H.dB है। सो इसका जो एरिया ऑफ बी एच कर्व, जो ये आप बी एच लूप देख रहे हैं, इसका जो एरिया है वो ही एक्चुअली वर्क डन बाय दी एसी सोर्स है टू मैग्नेटाइज दिस मटेरियल। सो ये मैग्नेटाइजेशन आप देख रहे हैं कि जैसे मैग्नेटाइजेशन हो जाता है तो ये रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर जब अनमैग्नेटाइज है। तो इस तरीके से आप अनमैग्नेटाइज सिचुएशन ये अब है, अब ये मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है और ये कंसेप्ट है सिंपली। तो यहाँ से आई होप कि आपको आइडिया मिलेगा कि बी एच कर्व या बी एच लूप क्या है और रियल में वो किस तरीके से फॉर्म होता है। हम लोगों की आई जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है इन 50 साइकिल्स को, तो हम लोगों को ये सीआरओ में कंप्लीट साइकिल दिखाई पड़ता है। सो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड के साथ में। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन।